हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज देखिए हम लोग क्या सीखेंगे, राइट एज फ्रैक्शंस इन लोवेस्ट टर्म। ये जो डेसिमल्स में दे रखा है इन्हें हमें फ्रैक्शंस में लिखना है और फ्रैक्शंस का फिर लोवेस्ट टर्म में हमें दिखाना है। फ्रैक्शन में ही रहे लेकिन लोवेस्ट टर्म यानी कि उसके न्यूनतम पद में हमें दिखाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, डेसिमल्स को पहले फ्रैक्शन में बदलना है, फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में बदलना है। ओके, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 0.60, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ये डेसिमल से पहले वाली जो है जीरो इसको छोड़ देंगे और हम क्या करेंगे 60 लिख लेंगे, यानी 60 अपोन में लिखेंगे हम लोग 100 क्यों लिखेंगे, ये जो जीरो है ना, इसको तो भूल जाइए, ये कुछ नहीं है। डेसिमल यानी डेसिमल की जगह हम लोग क्या लगा देंगे 1, और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतना क्या करेंगे, ये देख लीजिए यहाँ एक ट्रिक के तौर पे इसे देखिए, 1 इसका लगाना ही लगाना है डेसिमल के लिए, उसके बाद जितनी भी डिजिट है उसके लिए उतनी ही जीरो लगा दो, 1 2, तो 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा फ्रैक्शन में चेंज हो चुका है लेकिन ये कह रहा है कि हमें लोएस्ट टर्म में दिखाइए इसको, लोएस्ट जितना न्यूनतम पद हो सकता है इसका उतने में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये भी 20 से चला जाएगा डिवाइड और इसमें भी 20 से डिवाइड चला जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग 60 डिवाइडेड बाई 20, फिर 100 डिवाइडेड बाई 20। अब इसे कट कर दीजिए, 20 का 3 बार करेंगे तो 60 आता है, ठीक है ना, और 20 का 5 बार करेंगे तो 5 पे ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, 60 को 20 से भाग दिया तो 3 पे कट गया, 100 को 20 से भाग दिया तो 5 पे, तो लोएस्ट फ्रैक्शन क्या आ गया, 3/5, ये आंसर आ गया 3/5, ठीक है। अब इसमें अब देखिए ये इससे भी कोई लोएस्ट टर्म हो सकता है, कट सकती है संख्या, नहीं कटेगी तो बस हो गया खत्म। बी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन बी में लिख लेता हूँ, अब क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ लिख लिया है, फिर उसी तरह से सॉल्यूशन करेंगे जैसे मैंने पहले में किया था, 0.004। अब इसका क्या करेंगे, पहले तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मैंने क्या बताया ये भूल जाइए, यहाँ पे पॉइंट का पहले तो 1 रख ही दीजिए, फिर उसके बाद पॉइंट के डेसिमल्स के बाद कितने डिजिट है उनका 0 रख दीजिए, कुछ भी डिजिट हो रखना 0 ही है हमें। 1 2 3 कितने हैं, 1 2 3। अब इसमें क्या दिख रहा है, ये 4 से डिवाइड हो सकता है और ये भी 4 से डिवाइड हो सकता है, तो क्या करेंगे 4/4 है ना, और ये 1000/4। अब ये 4 × 4 एक पे कट गया और ये 4 × 25 = 100 और फिर एक जीरो जीरो ये बच गया यहाँ पे आ गया, फिर कितना आ गया 1/250, ये आपका लोवेस्ट टर्म में आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।